आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी की सब्जी, खट्टी और चटपटी मसालेदार। इसके लिए आपको चाहिए 1 पाव इस तरह से उबली हुई अरवी। आप इसे लेके इसके करीब 2 से 2.5-3 सीटीज में लगा दें, और 2 पके हुए एकदम टमाटर, 1 कप दही, थोड़ा सा 1 चुटकी अजवाइन, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी 1 मिर्च बारीक कटी हुई इस तरह से हरी मिर्च, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आध 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून बहुत थोड़ा सा 1 चुटकी आमचूर पाउडर और 1 चुटकी गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, 1 चुटकी हींग। अब आप टमाटर और हरी मिर्च को मिक्सी करके एकदम इकसार कर लें, और अरवी को छील के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। अब आप एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल गरम करें, और उसमें आधा चम्मच 1 चुटकी अजवाइन डाल दें और हींग दोनों इसमें डाल के आपने टमाटर, जीरा का जो और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल दें। अभी से आप धीमी आंच पे करीब 3 से 4 मिनट तक इसका थोड़ा सा ये मसाला तेल छोड़ दे, तब तक आप इसे ऐसे ही पकाएं। धीमी आंच पे रखेंगे तो टमाटर अच्छे से गहराई से पक जाएंगे। ये देखिए इसके पीसेस को आप करीब इतने बड़े बड़े इस तरह से काट लें। बॉईल होने के बाद इनको काटना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से आप इन्हें काट के रेडी रखें। ये देखिए अब इसने ऑलमोस्ट ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, बहुत थोड़ा। ये देर आपको इसको आधा मिनट और मुश्किल से चला के इसमें आप अरवी और बाकी के मसाले डाल दें, धनिया छोड़ दें और घी दही भी। ये देखिए अब आप इसमें ये अरवी डाल दें और मसाले भी डाल दें। अगर आप लहसुन खाते हैं, लहसुन खाना पसंद करते हैं, तो आप इसके पेस्ट में जब आप टमाटर को पीसते हैं उस वक्त आप 2-3 कलियां लहसुन की भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल के इसे चला दें। 2 मिनट, 1 से 2 मिनट आप इसे चलाएं, और साथ में अब इसमें आप दही डाल दें। ये देखिए अभी आपकी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसमें आधा चम्मच ये नमक आपको जितना पसंद है उसी हिसाब से नमक डाल दें, और थोड़ा सा धनिया भी इसमें धनिया पत्ती इस तरह से डाल दें, और थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला आप इसमें डाल दें और गैस बंद कर दें। आपकी ये सब्जी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है खाने के लिए। एनी टाइम आप इसे बहुत फास्ट ट्रैक पे बना सकते हैं। अगर आपके पास अरबी अवेलेबल है और कोई सब्जी नहीं है तो आप बहुत फास्ट ट्रैक पे सब्जी को बहुत जल्दी बना सकते हैं। इवन आप गेस्ट लोगों के सामने भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस सब्जी बनती है। उम्मीद है आपको ये डिश पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। अगर आपको ये पसंद आती तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी नई नई डिशेज लेके आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।